खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी सदर मलक मंजूर हुसैन अवान, सरपरस्ते आला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब राना मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दमाम के सदर मलक मोहम्मद आसिफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज के सदर मियाँ तारक जुनेद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर मलक मंजूर हुसैन अवान और सरपरस्त राना मोहम्मद अशरफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के निकलने से PDM कमजोर नहीं मजबूत होगी। अवाम में कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, जो कि पार्टी भी इस बयानिया का साथ देगी, इसकी अवाम की नजरों में इज्जत होगी। जो इस बयानिए का साथ नहीं देगी, शिकस्त व रसवाई इसका मुकद्दर होगी। इन्होंने मजीद कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क्यादत में पाकिस्तान में बहुत जल्द अवाम की हुकूमत होगी, जहाँ अवाम में खुशहाली और तरक्की सुनहरा दौर दोबारा शुरू होगा। हम कायदे अवाम मोहम्मद नवाज शरीफ के नजरिया के साथ हैं। इस पाकिस्तान की अवाम की नजरों का महबूब कायद और लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने फातिमा जना की तरह साबित किया है कि वो कायदे आजम और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नजरिया के हकीकी मुहाफ़िज़ हैं। आया ये बेहतर नहीं था नून लीग के लिए कि एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे जो शहबाज शरीफ से तामन कर रही थी, ये मंजरे आम पे आ रही है चीजें, सब कुछ आ रहा है, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं था कि मुस्लिम लीग इससे ज्यादा मजबूत हो जाती। ये तो हर चीज मंजरे आम पे आ रही है कि शहबाज शरीफ ने रास्ते सीधे किए थे और रास्ते सारे बंद होते जा रहे हैं, और ये चीज है एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान के लिए भी नुकसानदेह है। बिल्कुल ताकतवर चीज एस्टेब्लिशमेंट है, सब बाकी PDM फजल रहमान नून सारे इन सबको वो खिला रही है, तो बेहतर ये नहीं कि इसके साथ तावन करके अगर शबाशिक जैसे चल रहा था तो वो बेहतर नहीं था रास्ता। देखिए जी, जो आपका सवाल है ना, किसी भी जगह पे एक आदमी हकम हो किसी भी जगह पे, तो वो हकम जुल्म करता जाए तो क्या हर किसी को उसी के ताबे रहना चाहिए? कब तक हम रह सकते हैं? कोई शख्स तो एक आए जिसको कोई जैसे जद्दोजहद करनी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस ताकतवर तबके के खिलाफ जहाद कर रहा है, अल्लाह के फजल करम से वो दिन दूर नहीं है जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सुरखरू होगा, और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है, वो दिन इंतहाई करीब है अल्लाह के फजल करम से। वो एक बार जो एक सुराख से डसा जाता है तो दूसरी मरतबा वो एहतियात करता है, तो आप समझते हैं पीपल पार्टी और नून लीग आपस में तकरीबन 400-500 मरतबा एक दूसरे को डस चुकी है, तो फिर एक दूसरे पर इतबार करते हैं। इसी एक 15 दिनों के अंदर ये बार बार एक दूसरे पर इतबार करके और एक दूसरे को डसते रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुल्क के वसी तर मफाद में, हम किसी को कोई भी आए जो अवाम की हुकूमत के लिए जद्दोजहद करे, जो अवाम को अवामी हकूक दिलाने के लिए जद्दोजहद करे, हम उसके साथ मुदाखलत करते हैं। अब कोई बंदा आता है पास, वो कहता है कि हम आपके साथ हैं, तो चले साथ। अगर दुख अवाम देख रही है ना कि यूसुफ रजा गिलानी जो सैनेट बने हैं वो मुस्लिम लीग नून के वोटर से बने हैं, हमारी अक्सरियत अक्सरियत है ना, फिर पार्टी की नहीं है, धोखा दिया तो उन लोगों ने दिया, तो कम से कम अवाम तो जानती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इकतदार का लालच नहीं है उसको, उस शख्स को, वो अवाम की जंग लड़ा है, अवाम की मियाँ साहब का एक ही है कि हमने बस वोट को इज्जत दिला के रहना है इंशाल्लाह।